आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। फिर चाहे फील्ड कोई सा भी हो, हर जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी पकड़ बनाता जा रहा है। जहां इसके फायदे हैं, तो इसके नुकसान भी हैं। इसलिए अब केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया एक्ट के जरिए गलत सूचनाओं और हाई रिस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सख्ती से निपटने का प्लान बना रही है, ताकि यूजर्स को इससे होने वाले नुकसान को रोका जा सके। बता दें कि केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि एआई से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन के बढ़ते खतरे के बीच सरकार आवश्यक सुरक्षा कवच और डीआईए का एक हिस्सा बनाएगी, जो हाई रिस्क और फेक एआई के प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार एआई को रेगुलेट नहीं करने जा रही है, लेकिन वो बस एक रेलिंग बनाने जा रही है, यानी कि देश में एआई के लिए कोई अलग कानून नहीं होगा, लेकिन डीआईए का एक हिस्सा हाई रिस्क वाले एआई से जुड़े खतरों को दूर करेगा। दरअसल जब देश में इंटरनेट का शुरुआती दौर था, तब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को लाया गया था, क्योंकि उस समय इंटरनेट भारत के लिए नया था, तो इस वजह से तब के कानून के दायरे में ई कॉमर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एआई नहीं आते थे। लेकिन क्योंकि अब भारत पूरी तरह डिजिटल एज में है, इस वजह से इंटरनेट का यूसेज बढ़ गया है। उसी के साथ हेट स्पीच, फेक न्यूज और अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस को रोकने जैसी चुनौतियां भी है। इसी के मद्देनजर सरकार अब डिजिटल इंडिया कानून 2023 ला रही है।